नॉटी निशांत इन शॉर्ट अनिका खुराफाती कॉल अब बजेगा ढोल। हेलो जी जतिन बोल रहे हो? हाँ जी बोल रहा हूँ। हाँ जी मैं थाने से SHO बोल रहा हूँ, आपकी किसी से लड़ाई हुई थी? हाँ जी लड़ाई हुई थी। हाँ जी तो उसकी तरफ से कंप्लेंट लिखी गई है हमारे थाने में। अभी कंप्लेंट छोड़ो, मिल गया ना अगर इतना मारूंगा। हुआ क्या था ये पहले बताओ मुझे। डॉन बंदा भाई देखो गाली वाली तो दो मत पहली बात, और मुझे बताओ अच्छे से कि हुआ क्या था। सर वो बीच में बाइक लगा। हाँ तो चलो बाइक लगा दी फिर। कर रहा कि यहीं लगाऊंगा गाड़ी, जो हटाना हटा ले तेरे हटा ले। हाँ तो फिर चुड़िया पहले हमें को देखे चला जाएगा हमारे एरिया में। हाँ तो देखो ऐसा है कि अब तुम्हें यहाँ थाने में आना पड़ेगा। सर आ जाऊंगा, वो क्या बाप से बात कर लूंगा। देखो उसके बाप से ही बात कर रहे हो तुम, राजू से लड़ाई हुई है ना, राजू मेरा ही बेटा है। चलो अब बताओ कि आखिर बात हुई क्या थी। वो आया था उसने बाइक ना यहाँ बीच में लगा दी थी, तो मैंने कहा भाई साइड कर लो। हाँ यहाँ कस्टमर आते मेरे यहाँ पे। तो चलो अब उसके बाद बताओ कि हुआ क्या था। अंकल जी थोड़ी कुछ नहीं कह रहा था, वो तो ऐसी लड़ाई कुछ नहीं हुई थी, बस थोड़ी बहस हो गई थी, बस वो आपस वो होता ना एक ही खून है सर, वो मेरी एज का ही था, तो थोड़ी सी वो गर्म गर्म वो हो गई बहस। नहीं सारी गलती मेरे बेटे राजू की थी। किसी गलती मेरी भी थी, जब वो गुस्सा और मैंने कुछ बोला ऐसे कोई वो फालतू में मारना शुरू कर देगा मुझे। सुनो मेरे बेटे को भी लेके आओ, मैं उसका फादर हूँ तो क्या हो गया। PCR भेजो और इस लड़के को ही बुलाओ, इसने जो गालियाँ वालियाँ दी है सब ये कर दे रहा है ना गालियाँ, इसको ही बुला के लेके आओ। अंकल समझो, कसम से अंकल कुछ नहीं हुआ था, बस वो है ना बस। अंकल प्लीज मेरी बात समझो। जतिन बच्चे रोना बंद कर दो, नॉटी निशांत बोल रहा हूँ रेडियो धूम से। तुम्हारे दोस्त राहुल ने फोन किया था, उसने बताया कि तुम्हारा झगड़ा हुआ है किसी के साथ, तो उसके बाद फिर उसने बोला कि भाई अब इसका ढोल बजा दो क्योंकि गालियां बहुत देता है। भाईचारे से रहो, खुशी से रहो, बाइक लगा दी थी प्यार से, बोल देती भाई कि बाइक हटा लो, झगड़े पे उतारू हो गए भैया। नॉटी निशांत इन शॉर्ट अनिका खुराफाती कॉल अब बजेगा ढोल।